हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनवीन मेकओवर्स। सो फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। एंड हाँ, इस लुक के लिए बहुत डिमांड हो रही थी मेरे इंस्टाग्राम पेज में। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज नहीं फॉलो किया है तो भाई वेट क्यों कर रहे हो, जाइए और जल्दी से फॉलो कीजिए, मनवीन मेकओवर्स के नेम से है। सो जब से मैंने इस ब्राइड का वीडियो डाला है तब से बहुत लोग कह रहे हैं कि उन्हें इस पूरी वीडियो का ट्यूटोरियल देखना है और ये लुक बहुत पसंद किया जा रहा है मेरे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले वीडियो में इसी की डालूं। और आज की जो मेरी ब्राइड है सिमरन, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ब्राइड है मेरी। ऑलरेडी बहुत प्यारी हैं बट हम इनके शादी वाले दिन इनका लुक और भी ज़्यादा इन्हांस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा शिमरी लुक देंगे और ड्यूई बेस देंगे जैसा इन्हें चाहिए था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी ब्राइड का सबसे पहले स्किन केयर किया है और अच्छे से स्किन जो है वो अच्छे से ड्यूई होनी चाहिए ताकि बेस केकी ना हो, पैची ना हो। और उसके बाद हमने उनका किया है कलर करेक्शन। सबसे पहले हमने इनके ऊपर लगाया था एक डार्क कलर करेक्टर, मतलब डार्क कलर कंसीलर जो यूज़ किया था मैंने फॉर 52 का, और उसको मैंने अच्छे से लगाया है पूरे उन एरियाज़ में जहाँ पे पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं। और उसके बाद मैंने लगाया है फाउंडेशन। फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है शिनेल क्योंकि इनकी स्किन हल्की हल्की नॉर्मल टू ड्राई थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फाउंडेशन है, आई लव शिनेल फाउंडेशन। अगर आपने नहीं यूज़ किया है तो भाई वेट मत करो, जल्दी से जाओ और बाय कर लो। इसके बाद पूरे अच्छे से फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने अच्छे से ब्लेंडर किया है यूज़, और ब्लेंडर जो मैंने यूज़ किया है वो है ब्रश का। बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट ब्लेंडर है इसका। और इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा कंटूरिंग क्योंकि मेरी ब्राइट थोड़ा सा और ज़्यादा स्लिम लुक चाहती थी, तो मैंने इनकी थोड़ी थोड़ी कंटूरिंग की है, थोड़ी सी नाक पतली की है, जॉ लाइन स्ट्रॉन्ग की है। फिर हमने यूज़ किया है डार्क कंसीलर, और शेड मैंने जो यूज़ किया है वो है लाइट मीडियम अंडर द आईज़ एंड फोरहेड में भी यूज़ किया है। और उसको यूज़ करने के बाद हमने तुरंत इसको कर दिया ब्लेंड। बहुत लोग आप में से पूछते हैं मुझसे कि टार्ट कंसीलर क्या हम ड्राई स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। सो मेरा आंसर हमेशा वैसा ही रहेगा जो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में देती हूँ कि टार्ट कंसीलर मुझे बहुत पसंद है और मैं वो ऑलमोस्ट हर स्किन पे यूज़ कर सकती हूँ। आपको भी करना आना चाहिए गाइस। अगर आपको करना नहीं आता है तो मेरी वीडियोस देखते रहिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और आप भी यूज़ कर पाएंगे। टार्ट कंसीलर माना हल्का सा ड्राई है बट अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैंने यूज़ किया हल्का सा ब्लश जो कि मैंने यूज़ किया है, एक टिंट यूज़ किया है मैंने फ्रॉम लवर्थ, और मैंने इसको लिया है और थोड़ा ब्लशी लुक दिया है क्योंकि मैं चाहती थी थोड़ा सा प्यारा सा पीची ब्लशी लुक आया इनके ऊपर। अच्छे से ब्लेंड किया है हमने विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर। और ब्राइड को देखना है, सॉरी बोलना है कि उन्हें आँखें ऊपर रखनी है, ऊपर देखना है, पाउडर सेटिंग कर लेनी है आपने, और उसके बाद में हल्का सा पाउडर नीचे रखना है ताकि जब आई मेकअप करें तो कोई भी फॉल आउट ना हो, ग्लिटर्स या शिमर फॉल आउट ना हो। पाउडर सेटिंग कर लिया पूरे फेस में और अब मैं ब्लश पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेरा ब्लश है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब करेंगे हम आई मेकअप स्टार्ट। सो आई मेकअप मैंने किया है और उससे पहले मैंने लगाया है कंसीलर। कंसीलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने महंगा कंसीलर टार्ट टू फेस यूज़ करना है। और इसके बाद हम कर रहे हैं आई शेडो। सो गाइज, मेरी जो आवाज़ है बड़ी ख़राब हो रखी है, आप देख ही सकते हैं, और थोड़ा सा कोल्ड भी है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि मैं अपने कोल्ड को बीच में ना आने दूं और अपने वीडियोस में वॉइस ओवर दूं और आप लोगों को एक हफ्ते में दो या तीन वीडियोस तो दूँ ही ताकि आप लोग मेरी वीडियोज़ देखें और मुझे बहुत सारा प्यार दें। एंड येस गाइज, आपने पिछले से पिछली वीडियो में मुझे बहुत प्यार दिया है और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं मेरे ट्यूटोरियल्स में। तो गाइज़, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि क्या मैं मेकअप क्लासेस देती हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन एंड मैं कहाँ की हूँ। सो बेसिकली आई एम अ देहरादून बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट उत्तराखंड, एंड क्लासेस की बात जहाँ पर होती है गाइज़, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल क्लासेस नहीं देती हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन।
जो भी ऑनलाइन क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं वो सब यूट्यूब में देखने को मिल रही है. सो आई होप कि आपको ये जो फ्री क्लासेस मैं यूट्यूब में देती हूँ वो आपको हेल्पफुल रहे एंड आप इंजॉय करते हो उन वीडियोज़ को. सो आप देख सकते हैं कि मैंने आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही लाइट आई मेकअप रखा है एंड हल्का सा शिमरी रखा है और मैंने एक विंग लाइनर इफेक्ट दिया था अपनी ब्राइड को क्योंकि मुझे लग रहा था इनकी आईज़ काफ़ी इन्हांस और सुंदर लगेंगी. बट इट्स योर चॉइस इफ़ यू वॉन्ट टू गिव सच बिग लाइनर और नॉट. सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है गाइस, कोई भी ट्रोल ना करना कि इतना बड़ा लाइनर कौन देता है. सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, जिन पे जो अच्छा लगे वो करिए. और लैशेज लगाने के बाद मैं अब अंडर आई शेडो से प्लेसमेंट कर रही हूँ और इसके बाद मैंने यूज़ किया है फेरा रोशी का मस्कारा और लुक कंप्लीट हो चुका है. और अब मैं अपना फेवरेट लिप शेड यूज़ कर रही हूँ, सॉरी लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ. हर वीडियो में बता चुकी हूँ, इस वीडियो में बताना मैं ज़रूरी नहीं समझूंगी. सॉरी मैं मजाक कर रही हूँ. मैंने कलर बार का लिप लाइनर यूज़ किया है एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कौन सा लिप शेड यूज़ कर रही हूँ तो जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए कि मैंने कौन सा लिप शेड यूज़ किया है, क्योंकि ये वाला लिप शेड मुझे बहुत पसंद है. पहले मैंने हल्का सा पीची लुक दिया था, ब्राउनी सा पीची सा लुक, बट मेरी ब्राइड की डिमांड थी कि उनका आउटफिट पिंक है सो उन्हें पिंक लिप शेड चाहिए. सो इसलिए मैंने एट द एंड पिंक लिप शेड थोड़ा सा लगा लिया था. सो आप देख सकते हैं कि एक वीडियो में बना रही हूँ अपनी ब्राइड की और कितना प्यारा लुक आ रहा था, कितना फ्लॉलेस. सो गाइस मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप कि आपको मेरा ये लुक बहुत पसंद आया हो. गिव मी सो मच लव, लाइक्स एंड कमेंट्स. और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हर वीडियो बहुत सारा प्यार लेके बहुत प्यारी प्यारी ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल्स लेकर आती रहूँगी. लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. लव यू सो मच, बाय.